कथा के दूसरे भाग में हमने सुना कि किस प्रकार कलियुग के प्रभाव में आकर राजा नल अपना सर्वस्व अपने भाई पुष्कर के हाथों जुए में हार गए। अपना सारा राज्य और धन हार जाने के बाद नल और दमयंती जंगलों में भटकते हुए अपना गुजारा करने लगे। कथा के तीसरे भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार राजा नल ने दमयंती को अकेला छोड़कर जाने का निर्णय लिया और उसके बाद दमयंती पर क्या बीती। भाग तीसरा। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं थे, जमीन पर बिछाने के लिए एक चटाई तक नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ था और भूख प्यास की पीड़ा अलग। दमयंती ने भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी। दोनों जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने के बाद नल की नींद टूटी। सच तो ये है कि उनको दुख के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के सामने उनका राज्य छीनने, संबंधियों से बिछड़ने और कपड़े के जाने के दृश्य बार बार आ रहे थे। वे सोचने लगे, दमयंती मुझसे इतना प्रेम करती है, इसीलिए मेरे साथ इतनी पीड़ा भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद यह अपने पिता के यहां चली जाए। मेरे साथ रहकर तो इसे दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद इसे कुछ सुख मिल जाए। अंत में नल ने दमयंती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि दमयंती सच्ची पतिव्रता है, उनके सतीत्व के कारण उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने दमयंती की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। थोड़ी देर तक वो दमयंती की ओर देखते रहे और रोने लगे। वो सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राणप्रिया सदा अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। आज वो अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में पड़ी सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी। प्रिय, तू धर्मात्मा है, सूर्य, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तुम्हारी रक्षा करें। उस समय नल का हृदय दुख से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला के बाहर जाते और अंदर आ जाते। शरीर में कलियुग का वास होने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अंत में वो अपनी पत्नी को धर्मशाला में अकेला सोता छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो उसने देखा कि नल वहां नहीं है। उनको अपने पास ना पाकर दमयंती घबरा कर नल को पुकारने लगी, महाराज, महाराज, स्वामी आप कहाँ हो? मैं अकेली हूं, मुझे डर लगता है। मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलिए, आप जहां भी छुपे हैं निकल आइए। वह नल को ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर भटकने लगी। ऐसे जंगल में भटकते हुए वह एक अजगर के पास पहुंच गई। अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती नल को पुकारते हुए बोली, स्वामी, स्वामी, मुझे किसी अनाथ की तरह यह अजगर निगल रहा है। अब जहां भी हैं यहां आइए और मुझे इस अजगर से बचाइए। दमयंती की पुकार एक शिकारी के कानों में पड़ी और वो भागता हुआ वहां आया। उसने अपनी तलवार से अजगर का मुंह चीर कर दमयंती को उससे छुड़ा लिया। उसने दमयंती को छुड़ा कर उसके लिए नहाने और खाने का प्रबंध किया। जब दमयंती कुछ शांत हुई तो शिकारी ने उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर इस जंगल में भटक रही हो? दमयंती ने शिकारी को अपनी सारी कहानी बता दी। दमयंती की सुंदरता को देखकर शिकारी उस पर मोहित हो गया और मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती ने शिकारी के मन की बात जान ली।
शिकारी ने दमयंती का बलात्कार करना चाहा तो दमयंती ने क्रोध में आकर उसे शाप दिया, यदि मैंने निषध नरेश राजा नल को छोड़कर किसी और पुरुष का अपने मन से चिंतन नहीं किया हो तो यह शिकारी अभी यही भस्म हो जाए। दमयंती के ऐसा कहते ही शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर जली हुई लकड़ी की तरह वही गिर गया। शिकारी के मरने के बाद दमयंती नल को ढूंढते हुए एक और निर्जन और भयंकर जंगल में जा पहुंची। पर्वत, नदी, झरना, पशु पक्षी पिशाच सभी से नल का पता पूछते हुए वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। इस प्रकार 3 दिन 3 रातों तक चलने के बाद दमयंती एक अत्यंत सुंदर तपोवन में पहुंची। उस आश्रम में अत्रि, भृगु और वशिष्ठ के समान पवित्र और जितेंद्रिय ऋषि रहते थे। उनको देखकर दमयंती को थोड़ा धैर्य मिला और उसने आश्रम में जाकर बड़ी ही नम्रता के साथ ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का स्वागत करते हुए कहा, देवी, तुम्हारा हमारे आश्रम में स्वागत है। आओ, बैठो और बताओ हम तुम्हारी कैसे सहायता कर सकते हैं। दमयंती ने ऋषियों की कुशलता पूछी तो उन्होंने उत्तर दिया, कल्याणी, हम तो सभी प्रकार से सकुशल हैं। तुम बताओ, हम तुम्हें यहां देखकर आश्चर्यचकित हैं। इस भयंकर जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम किसी पर्वत, वन या नदी की देवी हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक साधारण स्त्री हूं। मैं विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री और निषध नरेश नल की पत्नी दमयंती हूं। कुछ कपटी लोगों ने मेरे पति को जुआ खेलने के लिए उकसाया और छल से उनका समस्त राज्य और धन ले लिया। मैं उनके साथ ही जंगल में भटक रही थी, संयोग से वो मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढते हुए यहां पहुंची हूं। यदि वो मुझे जल्दी नहीं मिले तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तपस्वियों ने कहा, पुत्री, हम अपने तपोबल से तुम्हारा भविष्य देख सकते हैं। तुम्हारे भविष्य में तुम्हें राजा नल अवश्य मिल जाएंगे और तुम उनके साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करोगी। राजा नल वापस निषध देश पर राज्य करेंगे। तुम इस परीक्षा की घड़ी में धैर्य रखो। इस प्रकार कहकर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती को लगा जैसे उसने कोई स्वप्न देखा हो। वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। वो उस अशोक के पेड़ को देखकर कहने लगी, शोक रहित अशोक, तू मेरा भी शोक मिटा दे। क्या तूने राजा नल को देखा है? अशोक, तू अपने नाम को सार्थक कर और मेरा भी शोक हर ले। दमयंती उस अशोक के पेड़ को प्रणाम कर आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों पेड़ों, पर्वतों, गुफाओं और नदियों के आसपास अपने पति को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसे बहुत से हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड दिखाई दिया। व्यापारियों से बात कर उसे पता चला कि वे राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश जा रहे हैं। दमयंती उनके साथ हो गई। एक रात कुछ मदमस्त हाथियों ने व्यापारियों के झुंड में हमला कर दिया और उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दमयंती किसी तरह बचे हुए लोगों के साथ चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी पहुंची। जब दमयंती राजपथ पर चल रही थी तो उसकी दशा को देखकर लोगों को लगा कि कोई बावली स्त्री है। कुछ छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती जिस समय राजमहल के पास से गुजर रही थी उसी समय राजमाता राजमहल की खिड़की पर बैठी हुई थी। राजमाता की दृष्टि बच्चों से घिरे हुए दमयंती पर पड़ी
तो उन्होंने एक धाय से कहा, अरे देखो तो, यह स्त्री बड़ी दुखियारी जान पड़ती है। बच्चे उसे बिना बात के परेशान कर रहे हैं। यह इतनी सुंदर है, शायद किसी विपदा से घिरी लगती है। तुम जाकर इसे मेरे पास ले आओ। धाय ने राजमाता की आज्ञा का पालन किया और दमयंती को अपने साथ राजमहल में राजमाता के पास लेकर आई। राजमाता ने दमयंती से पूछा, तुम कौन हो? इतनी असहाय अवस्था में भी तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। दुर्भाग्य से मेरे पति मुझसे बिछड़ गए हैं और मैं दिन रात उनको ही ढूंढती रहती हूं। राजमाता कहने लगी, कल्याणी, मुझे तुमसे स्वाभाविक सा लगाव हो गया है। तुम यही हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करेंगे। दमयंती ने कहा, माताजी, मैं आपकी आभारी हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं कभी किसी की झूठन नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष के साथ कोई बात नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेगा तो आपको उसे दंड देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने का प्रयास करती रहूंगी। यदि आपको मेरी ये शर्त स्वीकार है तभी मैं आपके यहां रह सकती हूं। राजमाता दमयंती की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाकर उससे कहा, बेटी, इस दासी को देवी समझना, यह उम्र में तुम्हारे समान है, इसीलिए इसे अपनी सखी के समान राजमहल में रखो। सुनंदा राजमाता की बात मानकर दमयंती को अपने साथ अपने महल में ले गई। दमयंती अपने नियमों के अनुसार राजमहल में रहने लगी। Thank you.